राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरसों तेल की आसमान छूती कीमतों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अधिकांश गरीब अपने खाने में सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की सरकार की नीतियों के चलते सरसों का तेल गरीबों की पहुंच से बाहर हो गया है। बाजार में एक लीटर वाले सरसों तेल की बोतल करीब 214 रुपए की MRP पर बिक रही है। सरकार की जन विरोधी और रोक लगाने हटाने वाली लगातार बदलती नीतियों के चलते मुनाफाखोरी कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है, जिसका सीधा खामियाजा आम लोगों को खाने का तेल महंगे दाम पर खरीदकर चुकाना पड़ रहा है। इस महंगाई के चलते आम गृहणियों के रसोई का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि सरसों के तेल के बढ़ते दामों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के नाम पर पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 से सरसों तेल में ब्लेंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिकने वाले सरसों तेल की कीमत 170 रुपए के आसपास पहुंच गई, लेकिन 2 महीने के अंदर ही बड़ी तेल कंपनियों के दबाव में सरकार ने सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेल मिलाने पर पाबंदी की रोक 4 दिसंबर 2020 को वापस ले ली, लेकिन कंपनियों ने सरसों तेल के दाम नहीं घटाए। अब एक बार फिर 8 जून 2021 से सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से जवाब मांगा कि सरकार ने 9 महीने पहले अक्टूबर 2020 में ब्लेंडिंग पर रोक लगाई तो फिर उसे दिसंबर 2020 में वापस किस आधार पर लिया? ऐसा क्या हुआ कि सरकार को 2 महीनों के अंदर ही अपने आदेश को वापस लेना पड़ा? अब फिर से उसी प्रकार की रोक का आदेश क्यों जारी किया गया? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब सरसों तेल में तय मानक के मुताबिक 20% ब्लेंडिंग पर रोक लगी तो दाम 100% से ज्यादा कैसे बढ़ गए? क्या इसका कारण सरकार की ढुलमुल नीति और बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने की सोच नहीं है? उन्होंने कहा कि सरकार को थोक भाव पर खुदरा भाव के बीच बड़े अंतर पर भी ध्यान देना चाहिए और बाजार में भारी मुनाफे पर हो रही बिक्री का भी संज्ञान लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी आशंका जताई कि सरकार के नए आदेश से सरसों तेल के दाम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हल्ला बोल हरियाणा।